गोहलपुर स्थित होसैनिया हायर सेकेंडरी एजुकेशनल स्कूल में लाखों का गबन करने वाले अध्यक्ष व सचिव के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर समाजसेवी आजाद अंसारी व उनके साथियों के द्वारा संभागीय कमिश्नर को ज्ञापन सौंपते हुए बताया गया कि गोहलपुर में होसैनिया गर्ल्स हायर सेकेंडरी एजुकेशन सोसाइटी स्कूल के अध्यक्ष रहीम खान एवं सचिव सिराज अहमद के द्वारा वर्ष 2005 से लेकर 2019 तक बच्चों की फीस व अन्य आय के स्रोतों के माध्यम से भ्रष्टाचार करते हुए 67 लाख रुपए का गबन किया गया है, जिसका खुलासा स्कूल के कोषाध्यक्ष आज अहमद के द्वारा करते हुए समिति के अध्यक्ष व सचिव को नोटिस दिया गया था, जिसमें 2005 से लेकर 2019 तक अध्यक्ष व सचिव के द्वारा बच्चों की फीस व अन्य शुल्कों से प्राप्त हुई आय 67,65,945 रुपए का गबन करने की बात सामने आई, जिसमें बैंक के अकाउंट से बड़ी गड़बड़ियां कोषाध्यक्ष के द्वारा पकड़ी गई थी। आज डॉक्टर जाकिर हुसैन वार्ड स्थित भौरा बाग में हुसैनिया स्कूल है गर्ल्स, जिसमें उस स्कूल के अध्यक्ष और सचिव द्वारा 70 लाख रुपए का बच्चों की जो फीस आती है साल की उसमें गबन किया गया, भ्रष्टाचार किया गया है, जिसमें 9/20 को एक कमेटी की बैठक हुई, उन्होंने उसमें लिखित स्वीकार किया कि हमसे ये 70 लाख रुपए के लगभग के घोटाले हुए हैं और उसके पैसे को हमने प्रॉपर्टी जायदाद में इस्तेमाल किया है, जो आज की तारीख में उस जायदाद की कीमत 4 करोड़ से 5 करोड़ रुपए होती है। उस भ्रष्टाचार करने के बाद भी उनका हौसला देखो कि ना तो वो उस पद से इस्तीफा दिए और वो बच्चों की फीस का 70 लाख रुपए जमा किए। बार बार वहाँ के मौजिस और गंभीर लोगों बात करने के बावजूद भी उन्होंने इतने हल्के से लिया कि उसके पीछे उनका बहुत बड़ा रसूख जैसे चल रहा है, बहुत रसूखदार लोग उसके पीछे हैं, जिसको वो हल्के में ले रहे कि आप भ्रष्टाचार कर दिए, ना कार्रवाई होगी और ना ही पैसा जमा करना है। क्योंकि कमेटी ने इस्तीफा नहीं मांगा, कल भी मीटिंग हुई, उसमें दो लोगों की सूचना है कि उसमें उपाध्यक्ष और कोई सह सचिव है वो शायद इस षड्यंत्र के खिलाफ है, बाकी पूरी कमेटी जो है उस षड्यंत्र में शामिल है। अगर शामिल नहीं होती तो वो रोड पे आती, वो पुलिस के पास जाती, तो हम जैसे लोगों को क्यों आना पड़ता। आज क्या मांगते हैं? आज हमने माननीय कमिश्नर साहब से मिलकर उसमें हुए भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त से सख्त जांच करके रजिस्टर्ड ऑफिसर लेवल के अधिकारी को लगा के जांच करके और उसमें दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, इसको हमें आश्वासन मिला है। और अगर